रोहित बेटे, डंडा लेकर जिस काम के लिए तुम गए थे वो पूरा नहीं हुआ ना? मैं सागर को मार नहीं जा रहा था, लेकिन वहां पापा आ गए। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, समझे? नहीं। मतलब थोड़ा उल्टे ढंग से काम लेना पड़ता है बेटा। अब जब तुम्हारी मम्मी यहां आएगी उसे ये मत बताना कि तुमने सागर को डंडा मारा है। ये ना कहूं तो और क्या कहूं? कहना सागर ने तुम्हें डंडा मारा, और ये भी कहना जब तुमने रघु चाचा और पापा से उसकी शिकायत की तो उन्होंने सागर को डांटने की बजाय तुम्हें डांटा। ऐसा तो हुआ ही नहीं। अरे जो हुआ नहीं है उसे ही करने के लिए तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है बेटा, समझ गए? समझ गया। अच्छा अब तुम्हारी मम्मी कभी भी आ सकती है, अब तुम रोना शुरू कर दो। 1, 2, 3 और जोर से, शाबाश शाबाश बेटा, और जोर से, शाबाश बेटा, और जोर से, और जोर से। लल्लू अंकल ये क्यों रो रहा है? अब क्या बताऊं बिटिया, तुम ही पूछ लो ना। रोहित क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ सागर ने मुझे डंडा मारा, जब मैंने जादू से शिकायत की तो उन्होंने मुझे डांटा। क्या बाबा ने भी तुम्हें डांटा? उस सागर को कुछ नहीं कहा और बाबा ने तुम्हें डांटा? मैं सब समझती हूँ, छोटी माँ सागर से बहुत प्यार करती है, इसी वजह से बाबा ने सागर की बजाय तुम्हें डांटा। रोहित चुप हो जा, देखो मैं अभी जाकर बाबा से और छोटी माँ से बात करती हूँ। हाँ प्लीज चुप हो जा। लल्लू अंकल ये तो मम्मी की बजाय कोई ना दी आ गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो और भी अच्छा हो गया, दे ताली।